लुधियाणा दे विच पैंदे बुढ़े नाले दे करके जिथे लोकां नूं बेहद परेशानी लंबे समय तो हो रही सी ते लोकां दे वल्लों चरोकणी मंग सी कि इस नाले की साफ सफाई का काम किया जाए। हुण पंजाब दी सरकार दे वल्लों 650 करोड़ रुपए की लागत दे नाल इस दी नुहार बदलन की गल की गई है। भारत भूषण आशू जिहड़े कि पंजाब दे कैबिनेट मंत्री ने, उन्होंने कहा कि 26 जनवरी तक इस नाले की साफ सफाई का काम हो जाएगा। उन्होंने ये भी गल कही कि जिहड़ा भी इस नाले के उत्ते गंद खिलारेगा उसनूं 5000 रुपए का जुर्माना होया करेगा। इत्थे भी रसला बनता है कि कुछ समा पहला इस नाले की साफ सफाई के मुतलक एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई सी जिथे कि उद्योगपतियों के नाल भारत भूषण आशू की तू तू मैं भी हुई सी क्योंकि उदों 650 करोड़ रुपये की राशि के उत्ते कई तरह के सवाल खड़े हो गए सन। थोनू मेरा ख्याल हले तई यही शायद पता नहीं है भी 650 करोड़ नाले प्रोजेक्ट का एसटीमेट बनया, उस तो बाद टेंडर होया ते हुण अलॉटमेंट स्टेज तो काम शुरू होण जा रहा है। पर बहुत ज़्यादा जरूरी है आस पास के इलाकों वास्ते अवेयरनैस क्रिएट करना। ये कारपोरेशन का एक एफर्ट है भी कोई भी सफाई उन्नी देर तक ना कारपोरेशन ना सरकार कामयाबी नाल नहीं कर सकदियां जिन्नी देर तक लोगों की शमूलियत नहीं हो, लोगों नू शामिल करन नू। अगर लोग ही सोच लैन, एक मिनट लई आपां करिए गल, जे लोग ही सोच लैन भी असीं बुढ़े नाले नू गंदा नहीं करना तो बुढ़ा नाला तो आपे ही बुढ़ा दरिया बन जाएगा। उही अवेयरनैस क्रिएट करने वास्ते अज एक एफर्ट कराया गया म्यूनसिपल कारपोरेशन का, मेयर साहब और कमिश्नर साहब का एक जॉइंट एफर्ट, उन्होंने इनवॉल्व किया सारे अपने कॉलेजेस दे बच्चों, वो बच्चे दो दो तीन तीन दियाँ टीमां बना के घर घर जाके अवेयर करनगे भी कूड़ा ये नहीं सिटना, कूड़े की सैग्रीगेशन करनी है, वो किस तरीके सेकेंडरी पॉइंटा तक लैके जाना है, जिहड़ा ये इंडस्ट्रियल वेस्ट जा रहा है जा डेरीज का वेस्ट जा रहा उन्हों किस तरीके सफाई करनी है, वो वास्ते प्रोजेक्ट बहुत व्डे लैवल का बन चुके हैं जिंकी छेती हुई शुरुआत अगले हफ्ते मेरा ख्याल नवे साल के हो जाएगी। तो आने वाले टाइम ये जोड़ा लोगों की एक सोच सी एक एफर्ट होना शुरू हो जाएगा, ये साल डेढ़ साल जो प्रोजेक्ट पूरा होएगा तो बड़े वधिया रिजल्ट लुधियाने शहर वाले के सामने आने। हाँ, अज बुढ़ा दरिया कूड़ा मुक्त करन दे लई अज IEC एक्टिविटी की जिहड़ी आगाज़ किया गया है, जिस दे विच श्री भारत भूषण आशू जी, मानयोग फूड सिविल सप्लाई ते कंज्यूमर अफेयर वजीर, वो अज दे इस प्रोग्राम के मुख मेहमान सी, उस दे नाल MLA साहिबान ते वख-वख कॉलेजेस दे NSS NCC दे स्टूडेंट्स हो सके। इस मुहिम दे विच 7 जिहड़े कॉलेजेस है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड ये जिहड़े स्टूडेंट्स है NSS NCC ये सारे जिहड़े स्टूडेंट्स है ये इस एरिए दे विच घूमणगे, लोगों नू घर घर जाके इस बारे अवेयर करनगे कि जे बुढ़े दरिया दे विच असीं कूड़ा सिटदे हां तां की साडे नुकसान हुंदे ने, जिथे सानू बहुत ज़्यादा नुकसान हुंदे, प्रदूषण फैलता है वगैरह एंड बहुत सारिया बीमारियां नू जन्म लैंदा है। ये बारे दसनगे ते नाल नाल ये इंश्योर करनगे, यकीनी बनाएंगे कि यह कूड़ा इन्हां दे विच ना सिटण। अगर फिर भी जेकर नहीं हटते हैं लोग तो उन्होंने उत्ते जोड़े है जुर्माना वो भी किया जाऊगा, 5000 तक की प्रोविजन है वो अभी 5000 तक का जुर्माना भी चलान जोड़े करने हैं वो करने शुरू असं किए जा चुके। इतने मैं इन्हों भी कहना चाहवागा रेडिया वालों, वो जो बहुत सारे रेडिया लाने जी इंडस्ट्री इस एरिया नाल लगी पई है, उन्होंने भी इस गलू यकीनी बनाना है, वो भी देख चाहिए कि वह भी इस जोड़ा कूड़ा वगैरह सिटते हैं वो बिल्कुल नहीं सिटा दिता जाऊ सिटन दिता जाऊगा, एक्शन लिया जाऊगा, जिते जिते अवेयरनैस दक्टिविटीज़ नाल चलनियाँ वो जड़िया दूसरिया जड़िया जुर्माने दारवाइया वो भी चलन गई, जिते लौट पई तो FIR भी जड़िया दर्ज कराई जाएगियाँ, हर तरह का जोड़ा मेजरस ले जाएंगे ता कि असी जो बुढ़ा दरिया कूड़ा मुक्त कर सकी। 26 जनवरी तक सा टीचा है, असं आस करते हैं कि उस असी सारे रल के इस SBM के जोड़े अपने मिशन डायरैक्टर ने पूरन सिंह उन्हों का भी सूँ बड़ा व्डा सहयोग मिले है, ऑनरेबल मेयर साहब की अगवाई के सारे सारे पोलीटिकल पार्टी एंड सारे कौंसल साहबान असी इनू बिल्कुल बुढ़े दरिया कूड़ा मुक्त करना एंड हर हिले किया जाना है। मेरी लोगों को अपील है कि लोग खुद ही अपने आप ही इस कूड़ा ना सिटन अगे आन, मेरी NGOs नू भी अपील करना उन्होंने भी वह भी अगे आन, अगे आके इनू जोड़ा है इस अभियान कामयाब करन दे विच साडा साथ दे। हाँ, इत्थे मैं ये भी दसना चाहवागा सतगुरु उदय सिंह जी जिहड़े कि हाई टास्क फोर्स जिहड़ी है उहदे चेयरमैन ने, उन्हां दा भी इहो ही संदेशा रहिंदा है जदों भी उन्हां नाल भी गल हुंदी है वह भी इसे गल ते बार बार गल कहिंदे है कि इहनूं जिहड़ा आपां कमिश्नर साहब
ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।